बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज जो है हम लोग फिर से एक और गाड़ी आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि हमारे फीचर माय कार का जो है पार्ट है। तो आज जो है हम लोग अपने घर के नीचे कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम मेरे को भी था, भाई लोग भी थोड़ा जल्दी में, ठीक है। तो सबसे पहले चाहूंगा भाई अपना नाम बता दीजिए आप। भाई मेरा नाम मुदित है। आप कहाँ से आए? रोहिणी से। ठीक है भाई, ऑल द वे फ्रॉम रोहिणी जो है भाई द्वारका जो है अपनी गाड़ी को लेके आए। अब आप लोगों को जैसा पता है कि स्विफ्ट का जो है काफी ज्यादा एक लोगों को ना कहते हैं क्रेज रहता है कि भैया यार मेरे को ना गाड़ी जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल की लुक वाली चाहिए। अब मैं आप लोगों को बहुत सारी स्विफ्ट जो है वो बेस टू टॉप वाली भी दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कन्वर्जन जो है देखने को मिलते हैं। अगेन स्पॉटेड चीज़ें अगर आप लोग कराना चाहो कार मॉड के अंदर आप लोग जाके वो सब वर्किंग जो है करवा सकते हो। आज जो भाई हमारे पास गाड़ी लेके आया ये भी बेस टू टॉप ही है भाई? अभी ये बेस टू टॉप। ठीक है भाई, भाई ने भी जो है गाड़ी को बेस टू टॉप तरीके से जो है पूरा यहाँ पर तैयार करा रखा है। लाल रंग की ये गाड़ी है, काफी अच्छी ऑन द स्पॉट जो है इसका लुक बनता है काफी ज्यादा। क्या क्या चीज है भाई, मतलब रोड प्रेजेंस के बारे में अगर बात करो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, लोग बहुत मुड़ मुड़ के देखते हैं गाड़ी को, मुड़ मुड़ के देखते हैं। और स्विफ्ट क्यों, कोई और गाड़ी क्यों नहीं भाई? मैं चार गाड़ी रन कर रहा हूँ। कौन कौन सी गाड़ी चलाते हो? इनोवा क्रिस्टा है मेरे पे, i20 है, बलेनो है, ठीक है, चौथी है। चौथी ये गाड़ी भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चार गाड़ियां जो है भाई ओन करते हैं, उसमें से एक स्विफ्ट है। अगेन आप लोगों को पता आज के टाइम पे स्विफ्ट का दबाकर जो है क्रेज चल रहा है। ऑल दो स्विफ्ट स्पोर्ट आने वाली है, तो क्या इसको रिप्लेस करने का कुछ होगा कि नहीं होगा? आगे देखेंगे, अभी तो कोई प्लान नहीं है। ठीक है, 2023 में वैसे जिन जिन लोगों को नहीं पता 2023 में स्विफ्ट स्पोर्ट आने वाली है, पूरी वर्किंग जो है वो फुल पावर जो है यहाँ पर चलती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वीडियोस के थ्रू। तो अब बात करते हैं थोड़ा मॉड्स के बारे में कि क्या इसके अंदर जो है अपग्रेड किए गए। सबसे पहले अगर आप गाड़ी की हेडलाइट के बारे में बात करते हो तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो जैसा मैं देख पा रहा हूँ पूरा ब्लैक लुक इसको दिया गया है, जिसको आप लोग बोलते हो थोड़ा सा कि फुल ब्लैक डीक्रोम, हाँ डीक्रोम बोल सकते हो, ठीक है, इजी शब्दों में डीक्रोम जो है आप लोगों को समझ आएगा। DRL जो है स्टॉक आती है इसके अंदर, डिमन आई लगा रखे, ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हेडलाइट जो है ये आफ्टर मार्केट है या फिर मतलब ये ताइवान वाली है, कौन सी वाली है? ये नॉर्मल है, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, इसको कस्टमाइज कराया हुआ मैंने। ठीक है, इसको आपने कस्टमाइज कराया, ठीक है। ये तो हो गई एक आप लोगों की हेडलाइट वाली बात। बीच के अगर ग्रिल वाली बात आप लोग करते हो तो ये कौन सी वाली ग्रिल है भाई, ये भी बताओ भाई? बम्पर चेंज है। बम्पर चेंज किया स्विफ्ट GT का? क्यों लगाया भाई पहले ये बताओ? नॉर्मल बम्पर अच्छा नहीं था? नॉर्मल अच्छा था लेकिन कुछ अपग्रेड करना था, अच्छा और बनाना था, तो ये उसके लिए हुआ है। ठीक है भाई, तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि ये बम्पर और ये किट का क्या चीज़ होता है, तो भाई ये आप लोगों को किट्स अवेलेबल हो जाती है। अब कोई भी मेड इन ताइवान किट नहीं आती है क्योंकि अब सारा माल चाइना से आता है, ये सब अब बात घुमाने वाली बात है। पहले एक टाइम होता था जब ताइवान से आप लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर होते थे, अब सब कुछ मेड इन चाइना जो है आप लोगों को मिलता है। ये इस किट का कुछ लुक है, फ्रंट में आप लोग देख सकते हो। इसमें भाई ने जो है IPH का अपग्रेड कराया होगा आई गेस, ठीक है, इसके अंदर IPH का भाई ने अपग्रेड कराया। वैसे अगर आप लोग देखते हो तो DRL जो है इसके अंदर आप लोगों को स्टॉक ही देखने को मिल जाएंगे, ये स्टॉक DRL है, ठीक है, और जो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। IPH का क्या रिस्पांस है, हेडलैम्प्स का क्या रिस्पांस है, क्या लगा के चल रहा है? HID लगाई है, HID या फिर LED लगाई है? IPH में HID लगाई हुई है अभी, ठीक है, मेरे को ऊपर की हेडलाइट चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती, रिस्पांस है बहुत बढ़िया भाई। तो आप लोग खुद जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जो है ऑब्जर्व कर पाओगे। इसी के साथ में एक चीज़ आप लोग भी अपग्रेड करा सकते हो अगर करवाना चाहो, तो ये स्प्लिटर्स होते हैं भाई, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है जो आजकल काफ़ी सारे लोग लगाते हैं। इसमें एक ऑन होल्ड वाली आती है जिसमें आप लोगों को स्टिक जैसी एक चीज़ देखने को मिलती है, ये आप लोगों की फ्री वाले स्प्लिटर, वो स्प्लिटर रॉड रॉड बोलते हैं उसको, लेकिन ये वाला लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो है अट्रैक्शन पॉइंट लगता है भैया। बम्पर में छेद करना पड़ता है, मैं बम्पर में छेद नहीं चाहता था। और ये गाड़ी बेस मॉडल है? हाँ ये बेस मॉडल है भाई, बेस टू टॉप जो आपको हमेशा हम दिखाते हैं वैसे ही आप लोगों को फील मिलेगा। ये आप लोगों का थोड़ा सा ग्राफिक्स आप लोग बोल सकते हो या फिर आप लोग विनाइल वाले जो स्टिकर्स टाइप के आते हैं वाले चीज़ लगते हैं। वैसे ये रैप लगाया है, विनाइल का स्टिकर है, ये रैप लगाया है, तो विनाइल वाला मत लगाना भाई, ठीक है, उसमें दिक्कत आती है। ये कलर तो ओरिजिनल है, पूरा लाल यही आता था, ओरिजिनल है, ठीक है भाई। ये लाल रंग की गाड़ी जो आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा साइड प्रोफाइलिंग की तरफ मैं आप लोगों को जो है लेके चलते हैं। साइड प्रोफाइलिंग में अगर आप लोग बात करते हो तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग रिकमेंड नहीं करते, भाई ने करवा रखी है, जैसे कि आप लोगों के जेड ब्लैक शीशे है, मत करवाना भाई, ये लीगल नहीं है, प्लीज इस चीज को आप लोग भी जो है भाई सिर्फ वीडियो के लिए करवाया है, ये वीडियो के लिए करा है, वीडियो में अच्छा लगता है थोड़ा, तो वैसे हटा के चलाते हो? हाँ वैसे नॉर्मली हटाए रखते हैं, ठीक है, ये एक थोड़ा गाड़ी का लुक बन जाता है तो उस चीज के लिए भाई ने कराया। तो वैसे मैं आप लोगों को मना करूंगा कि नहीं कराना, करवाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। साइड के उसमें अगर आप लोग बात करते हो फेंडर्स के लिए एज सच कोई अपग्रेड आपको नहीं मिलता है, भाई ने इसके अंदर आयरन मैन वाला ये चीज सॉरी ट्रांसफॉर्मर वाला जो है ये चीज इसके अंदर लगाया हुआ है। और यहाँ पर इंडिकेटर्स होते थे भाई, तो इसका भी थोड़ा सा लुक जो है वो एक आ गया कि भैया पता नहीं चलेगा किसी को कि हमारे पास बेस मॉडल गाड़ी है, है? ठीक है, पता भी लग जाएगा भैया मैंने बेस टू टॉप बनाई हुई है, अब कोई मतलब देख के कहता है ये टॉप से ऊपर ही लगती है, नहीं भैया लुक है भाई गाड़ी का नो डाउट जो है लुक बहुत अच्छा है। अगर आप लोग साइड मिरर के बारे में बात करते हैं, अगेन साइड मिरर भी इसका डिप करवा रखा है आपने,
हाइड्रो डिप है क्या या रैप है? अलग से आता है साइड मिरर, अब नया आने लग गया ये वाला कवर, ठीक है, आफ्टर मार्केट है। ये कवर आपने केवल लगाया है? इंडिकेटर के साथ है ये, ठीक है। एक बार ऑन करके दिखा दो भाई, लाइटिंग भी ऑन कर दीजिए आगे की, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को सेटअप भी यहाँ पर जो है चेकआउट करा देते हैं, ठीक है। तो हेडलैम्प्स वाला आप लोगों ने ऑलरेडी जो है अपग्रेड देखा हुआ है, और किट वाली गाड़ी भी हम लोगों ने आपको दिखाई है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो शूट करी थी जो नोएडा से गाड़ी हमारे पास आई हुई थी, उसमें हमने किट दिखाई थी। इसको जीटी किट बोलते हैं भाई? हाँ। इसको जीटी किट बोलते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स जीटी किट, स्विफ्ट स्पोर्ट बोल सकते हैं। जो आप लोगों की स्विफ्ट स्पोर्ट अब नई वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कुछ ऐसा जो है गाड़ी का आप लोगों को जो है स्टांस देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी भाई ने जो लोगो होता है वो क्रोम आता है, इसको भी आपने क्या किया है, मतलब रैप किया, क्या किया, डी क्रोम किया, पेंट कराया, या आपने पेंट कराया, ठीक है। और कितना टाइम हो गया ये सारे मॉड्स आपको मतलब रन करते हुए? भैया मैंने कार सेकेंड हैंड ली थी, ठीक है, मेरे को एक साल हो गया है कार को चलाते हुए, और जो बंपर वगैरह है वो लास्ट मैंने 4 to 5 months पहले कराया है, वो आपने अभी अपग्रेड कराया था, ठीक है। तो ये आप लोग जो है नीचे भी देख पा रहे होंगे भाई, ठीक है। आप लोगों के जो इंडिकेटर्स है वो भी फुल पावर, इसमें आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स वाइज बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो एक अपग्रेड है ये बहुत अच्छा है, अगेन ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी जो है इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे लिए भी थोड़ा सा नया, मैंने भी पर्सनली इसको देखा नहीं है, मैं ऑन कैमरा ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, मैंने देखा अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये अपग्रेड जो आप लोगों को ऑप्शन वाइज देखने को मिल जाएगा। शीशे जो है वो काले है भाई, आप लोगों का जो ऊपर का इसका आप लोग देखते हो तो इसका पूरा रूफ रैप जो है वो भाई ने करवा रखा है, ये रैप में हुआ है, विनाइल में कर रखा है हमने, किसमें किया है, रैप है, एवरी डेनिसन का रैप है, ठीक है, हाँ, रैप ही करा रखा है, विनाइल की कोई आइटम यूज मतलब कर ही नहीं रहा, ठीक है भाई। ज्यादातर भाई ने कोशिश करी है गाड़ी को पूरा ब्लैक लुक देने की, और ये आप लोगों के क्या बोलते हैं इसको जो साइड वाले बिडिंग जो है स्कर्टिंग से, ठीक है, नीचे तो आप लोगों का स्कर्टिंग वाला पार्ट हो गया, आई गेस ये वाली, ये स्कर्टिंग भी दूसरी वाली है, वैसे लोग जो है वो दूसरे टाइप वाली स्कर्टिंग लगवाते हैं जिसमें साइड से पीछे से निकला होता है, लेकिन भाई ने ये स्टार्ट हुई थी जो एक्सेंट गाड़ी आया करती थी एक टाइम पे, जब होता है प्रॉपर स्कर्टिंग है स्विफ्ट के लिए, ये प्रॉपर इसके अंदर ड्रिल होके लगती है, फिर उसके बाद पेंट होता है, ठीक है भाई। ये आप लोग देख लो, अगर आप लोगों ने अभी तक जो नॉर्मल स्कर्टिंग देखे बहुत मतलब बेसिक होते हैं, वो टच होने में टूट जाते हैं, ये चिपके रहते हैं भाई, ये चिपके रहेंगे, ठीक है भाई। ये आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के रियर प्रोफाइलिंग की तरफ में, ठीक है भाई। तो रियर प्रोफाइलिंग से अगर आप लोग बात करते हो गाड़ी के बारे में, तो रियर में आप लोगों की जो टेल लाइट्स है, अगेन दीज आर दी आफ्टर मार्केट सो कॉल्ड आप लोगों की ये लाइट्स है, इस कौन से ब्रांड की थी, वीलैंड थी क्या थी, ये वीलैंड है, ये वीलैंड वाली है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को सी शेप्ड मिलता है जो आप लोगों को मर्सिडीज स्टाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाई ने ये हैशटैग आपका रजिस्टर्ड है वर्किंग हैश की है? ये मतलब ये हैशटैग चलता है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही लगवाया, ये थोड़े दिन पहले लगाया, ठीक है। हैशटैग है लो लाइफ, तो लो लाइफ क्यों लगवाया, कुछ गाड़ी लो करवा रखी है क्या है? थोड़ी बहुत लो दिखती है, अच्छा स्टांस दिखता है, स्टांस चेक करोगे तो लो दिखती है वो। अच्छा ठीक है भाई, ये आप लोग जो है देख सकते हो, और भाई भी जो है वो शौकीन है जैसा आप लोगों को पता है, तो भाई ये चीज़ एक प्लस पॉइंट में हमेशा रहेगी। तो जैसा आप लोगों ने जीटी किट फ्रंट में देखी थी वैसे जीटी किट आप लोगों को रियर में देखने को मिलेगी। क्या ये दोनों के दोनों एग्जॉस्ट टिप जो है ये इनेबल्ड है? नहीं अभी वर्किंग नहीं है ये, आगे चल के प्लान है, लेकिन उसमें भी एक वर्किंग होती है, एक डमी लगती है, एक डमी लगती है, वो ऑफ कोर्स ही बात है, दो आप कर नहीं सकते, चार सिलेंडर के इलेक्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा रखा है मैंने इसमें, ठीक है, हाँ, तो वो एक में वर्किंग रहेगी, एक में डमी रहेगी, ठीक है भाई। तो आप लोग थोड़ा सा इधर से भी आप लोग देख सकते हो, ये है आपका नॉर्मल वाला, ठीक है भाई, ये अभी डमी है, और काफ़ी ये आप लोगों का जो है सीन इन रहता है, काफ़ी सारे लोग शौक रखते हैं कि भैया कुछ नेक्स्ट लेवल गाड़ी तैयार करनी है, तो आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग पीछे स्पॉइलर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को रियर स्पॉइलर जो है इसमें देखने को मिल जाएगा, एंड इट लुक्स रियली वेरी प्रॉमिसिंग, आप लोग लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। ये भी आप लोगों का स्पोर्ट्स वाले उसमें आता है, इसमें भी दो तीन तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने ये इसलिए लगाया, मॉन्स्टर का भी मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मॉन्स्टर थोड़ा चलता है वाइड व्हील्स पे, थोड़े वाइड व्हील्स आ जाए, करेक्ट, हाँ, अगर मैं इसको आगे चल के अपग्रेड करूंगा 17 को वाइड में डालूंगा, 17 इंच वाइड अलॉय डालूंगा, तो मैं मॉन्स्टर में जाऊंगा, करेक्ट भाई। अब मेन चीज मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ, अलॉय व्हील्स के बारे में काफी क्वेश्चन रहते हैं कि भैया कौन सा हमारे लिए अच्छा है। अब ये गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स लगे ये सबसे परफेक्ट साइज है और सबसे परफेक्ट अलॉय है। जो लोग थोड़ा टायर को देख रहे हो आप लोग इधर से अगर देखोगे, इसका स्टांस 0.5 जो है वो भार होगा, नहीं तो इसका स्टांस बिल्कुल परफेक्ट है, और आप अपनी गाड़ी के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर रहे भैया। कितने इंचेस के अलॉय व्हील है आपके? भैया 16 इंच के हैं। और क्यों 17 नहीं लगवाया भाई? 17 तो सब पूरी दुनिया लगा रही है आजकल भाई, दुनिया लगा रही है, मेरी 100 से 150 किलोमीटर हर रोज चलती है गाड़ी, 100 से 150 किलोमीटर। अब आप 16 में चला रहे हो, कुछ एवरेज का फर्क कुछ फील? भैया एवरेज का इतना कोई फर्क ही नहीं मेरे को, ओके है ये मेरे लिए गाड़ी, क्योंकि मैंने इसको जब ओन किया था इसमें CNG है। अच्छा, अरे भाई भाई मेरे को 120-150 आराम से निकाल देती है विदेशी, मेरे को कोई जरूरत नहीं। वेरी नाइस भाई, ये बहुत बढ़िया चीज है। और ये भाई देखो, ये होते हैं आप लोगों के
टायर वाले स्टिकर मत लगवाया करो मैम, ऑन कैमरा आज भी ये चीज बोल रहा हूँ, टायर स्टिकर्स आर नॉट गुड फॉर योर टायर्स। आप लोगों की जो साइड वॉल्स होती है इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, चाहे आप कितने भी अच्छी तरीके से सुन के बोलो कि भैया ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं होता है भाई। आप लोगों की साइड वॉल आप लोग हमेशा टेम्पर कर रहे हो, प्लीज ये चीजें मत कराओ। इस गाड़ी के अंदर योकोहामा का अर्थवन लगा हुआ है और ब्रांडेड टायर लगाया, क्यों भाई चाइनीज भी तो लगा सकते थे? नहीं, आगे मेरे दो ब्रांडेड है, पीछे चाइनीज है, ठीक है। ब्रांडेड में अच्छा है, बहुत ज्यादा ब्रांडेड, मैंने चाइनीज लगाए थे, मेरे टायर फूल गया था। फूलता है वो तो, हो रहा है, फूल गया था, ठीक है। ब्रांडेड डलवाया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई प्लीज, नेक्स्ट अपग्रेड वही है, पीछे वाले दोनों भी से नो टू चाइनीज टायर्स, ठीक है भाई। चाइनीज टायर आप लोगों ने नहीं लगवाना है प्लीज, आप लोग की गाड़ी से ज्यादा सेफ्टी आपकी जरूरत है। गाड़ी तो भाई नहीं आ जाएगी लेकिन इंसान नहीं आता, तो प्लीज इस बारे में जरूर समझेगा। बाहर से मैंने आप लोगों को एक आउटलुक चेक कराया, एक बार पहले मेरे को सीएनजी वाली चीज दिखाया यार भाई, मैं अभी भी लगी हुई है सीएनजी लगी, तो भाई एक बार ये सबसे बढ़िया अपग्रेड होगा जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, आपको मजा आने वाला, देखो अभी देखने लगी हुई है विद बेस ट्यूब। तो भाई ये देखो भाई ने इसमें एक JBL JBL का है ना ये, आप लोगों का JBL का 1250 वाला जो है, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं इसका, बेस ट्यूब जो है इसके अंदर लगाई है। नीचे सीएनजी भी लगी है, कितने किलो वाली सीएनजी है भाई? 12 किलो वाली है। और क्या अब मतलब अब सीएनजी वाली बात आ गई तो क्या एवरेज है भाई गाड़ी की, कितने रुपए कितने क्या पड़ता है? ऐसे बोलते हैं ना 1 रुपए में 120-150 चल जाती है फुल करा के। और फुल कितने का होता है अब? होने लग गया 600 के आसपास, तो 600 में ये चलती है 120। हाँ 120-150 भाई, क्या बात है यार, क्या बुरा है भाई। सीएनजी में आप लोग देख लो भाई, बड़ा चीज़ है, बस थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आप लोग बड़ा सा वूफर लगाना चाहो थोड़ा जुगाड़ करके बन सकता है। वैसे भाई को मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, इसके भी आजकल कवर आ गए भाई, इसमें लोग कवर बनाते हैं कस्टमाइज ना, मतलब आपका ये जो इसके अंदर ना बहुत चीज़ें आ गई हैं, लेकिन स्विफ्ट ना सीएनजी के हिसाब से स्विफ्ट पीछे छोटी है। अच्छा, बेस ट्यूब रखने तक के लिए भी आ गया लेकिन स्विफ्ट के लिए नहीं आई है अभी तक। चलो भाई, ये भाई ने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोग डोर पैड्स के बारे में बात करते हो भाई, ये डोर पैड भी कुछ पेंट हुए क्या हुआ? ये LXI के ही हैं, जो LXI में आते हैं, ठीक है, पहले से ही ये वही हैं, ठीक है। तो ये इसमें भाई ने जो है इसमें आपने बेस टू टॉप नहीं कराया? इसमें अभी बेस टू टॉप नहीं कराया क्योंकि अंदर से मैंने देखना है, मैंने अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइज मॉड कराए हुए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। करेक्ट, जैसे मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो, ठीक है भाई, क्लस्टर देख लो भाई। भाई ने मतलब जो मेरे को चीज मेन भाई के बारे में समझ आई, भाई चाहते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो मॉडिफाइड लगनी चाहिए, मेरे को बेस टू टॉप वाले से इतना मतलब नहीं, लेकिन मेरे को अपनी कस्टमाइज टॉप वाले, ये मेरे लिए आधे घंटे का काम है, मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट भाई, इसमें नॉर्मल है, मेरे को एम्बिएंट चाहिए थी, मैंने इसमें एम्बिएंट लगाई। चलो भाई बढ़िया, एम्बिएंट लाइट भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और ये भी आई गेस आफ्टर मार्केट वाले भाई ने जो है शीशे वाले लगवा रखे है ना, ये जो पावर विंडोज है, ठीक है। बाकी अंदर से एक बार ओवरलुक आप लोग गाड़ी का चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो है भाई 5290 लगा हुआ, कौन सा 5290 सबसे मेन चीज है। पायनियर के अगर आप शौकीन हो 5290 लगाओ, आवाज सुनने के शौकीन हो आपको मजा आएगा, ठीक है। ये मीटर भाई ने मेजर चेंज कराया है, आप लोगों को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ये अपग्रेड कराना चाहो आप लोग कार मोड जा सकते हो, बढ़िया बंदे भाई, एक नंबर की वर्किंग करके दे देंगे आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हो पीछे नंबर प्लेट भाई ने रखी है, क्योंकि भाई वीडियो बन रही है, तो वो चीज जैसे भाई ने बोला वो चीज आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अब मैं एक मेन चीज के बारे में बात करता हूँ ऑन कैमरा, ये चीज हम भी पूछते हैं, वेल्वेट्रॉनिक लगाए हुए कितना टाइम हो गया? वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट जो है 6-7 महीने हो गए। क्या परेशानी लगी भाई पहले बताओ, कुछ परेशानी? परेशानी अभी तक मेरे को कोई फेस नहीं हुई है, लेकिन क्या सुनने को मिलता है? ज्यादा नहीं चलाता, लेकिन सुनने को क्या मिलता है? लोग जो आजकल रिप्लाई भी तो करते होंगे ना कि भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या होता है वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट? बहुत ज्यादा लोग, देखो लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करा है इसके साथ भाई, वो देखो वहाँ खड़ी i20 मेरी i20 खड़ी देखा था। हाँ मेरा भाई, मैं तो भाई रियल, क्योंकि भाई जो चीज लगाई अच्छी है तो अच्छी बोलो, बुरी है तो बुरी। मेरे को आप ये लगाओ, मेरे को अभी तक इसलिए दिक्कत कोई फेस नहीं हुई है क्योंकि मैं इसको ज्यादा नहीं चलाता। करेक्ट, ठीक है। मेरे को शौक होता है, थोड़ा चला लिया, बंद कर, ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज है ये। मेरे को भाई ये भाई की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी, एंड अगेन मैं आप लोगों को आज ही बोलूंगा, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जो है ये वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाया था, मेरी क्लच प्लेट उड़ गई थी, उसका रीजन बीइंग क्या होता है, फॉर मोर एग्जॉस्ट वाली आवाज के लिए हम लोग सेकंड गियर में और थर्ड गियर में गाड़ी को खींचते, जिसकी वजह से आपके क्लच वायर और क्लच प्लेट वाला वो जो पूरा सीन है वो खराब हो जाता है, प्लीज बच के रहना, ठीक है भाई। इसलिए फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाओ, मैं तो फुल सिस्टम भी हटा रखा, लेकिन फुल सिस्टम इज स्टिल गुड, जो आप लोगों की गाड़ी जो है वो ओवर द टाइम जाके खत्म करेगा, एकदम से नहीं खत्म करेगा, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों ने सुन लिया है, आप लोगों को आई गेस मतलब सुन लिया कि आपको मैंने सब कुछ बता दिया जैसा आप लोगों को लगा है। और भाई जो है स्पेशली हमारे लिए रोहिणी से आए थे भाई, आप लोगों को फीचर भाई कार में गाड़ी दिखाई, पर्सनली अगर आप मेरे टेस्ट के हिसाब से बोलोगे कि भैया आपको गाड़ी कैसी लगती है, तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अब थोड़ी सी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देते हैं, थोड़ी सुनाएंगे, ज़्यादा एक्सीडेंट मत करना, अभी हम सोसाइटी के अंदर है तो किसी को हम लोगों ने टैम्पर नहीं करना कि भाई किसी को दिक्कत हो, ठीक है। तो ये देखो पहले ये रिमोट सा होता है, पहले नॉर्मल एक बार नॉर्मल कर दो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब एग्जॉस्ट तो ये थोड़ा
थोड़ा सा आप लोगों के लिए एग्जॉस्ट साउंड है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, किसी को तंग नहीं करना, सबसे मेन रीजन जो है स्पेसिफिक रीजन ये है। और ये गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक है, अंदर से भी कुछ अगर है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो ये नॉस लगा हुआ है भाई इधर, ये भाई ने अपना अलग से नॉस लगा रखा है इसमें। ये जो है ये परफ्यूम है, परफ्यूम है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अंदर की तरफ से भी हम लोग जो है बैठ के फील कराए थे भाई। अब मैं जैसे ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि भाई एक जेड ब्लैक जो गाड़ी होती है ना उसकी फील अलग ही होती है, है? हाँ। भाई मतलब अब ये भाई जो है ये नॉर्मल मतलब अगर उसमें चले जाए तो इनको भी एकदम वो लगेगा कि इतनी लाइट आ कहाँ से रही है, है ना। और अगर आप देखोगे ये सब डिपिंग वाली चीज, जो चीजें मैं आपको बोलता हूँ भाई कि आप लोग जरूर कराओ, और जैसा मैंने हमेशा आप लोगों को बोला कार मोड वाले हमारे भाई जो है एक नंबर का काम करके देते हैं, आप लोग जरूर इन चीजों के ऊपर जो है वर्किंग जरूर रखना, ठीक है। और कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज जरूर बताइएगा। आप लोगों को मैंने ऑडियो के अपग्रेड के बारे में नहीं बताया था, ऑडियो में क्या लगाया हुआ है थोड़ा सा बता दो क्या क्या भाई। ऑडियो में नीड फॉर साउंड का एक एम्प, में दो एम्प रन कर रहा हूँ, एक नीड फॉर साउंड का है, दूसरे का नाम भूल गया, ठीक है। और आगे सिल्वेस्टर की डेव बॉन्स की सिल्वेस्टर वाली सीरीज लगी हुई है मिड रेंज, ठीक है। पीछे में शेटे वाली लगी हुई है, ठीक है। हाँ चलो भाई, आई गेस आप लोगों को आइडिया वाइज ये चीजें जो है समझ आ गई होगी। और ये देख लो भाई आप लोगों को जो शौकीन है क्या चीज है भाई, TS 20 भाई, जो इतने लोग शौकीन है भाई उन लोगों को पता होगा। और गाड़ी भाई ने बड़ी अच्छी मॉडिफाई करा रखी है, आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आप भी फीचर माय कार का पार्ट बनना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम। कई सारे लोग ना मेरे को ये भी पूछते भैया इसका कोई चार्ज होता है, इससे कोई पैसे लिए जाते हैं? भाई इसमें कोई पैसे नहीं है, दिस इज जस्ट कार गाय थिंग। आप लोगों को शौक है, हम लोग उसको पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, लोगों तक शोकेस कर पा रहे हैं, बस इतना ही सीन है, कोई पैसे नहीं लिए जाते भाई। पैसे क्यों पैसे लेंगे भाई, किसी से पैसे क्यों मांगेंगे, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है। और बाकी भाई ने जो भाई मॉडिफिकेशन कराई कितने रुपए लगाती है भाई, पहले सबसे मेजर क्वेश्चन। 2-2.5 लाख रुपए के आसपास स्पेंड हो चुका। वर्थ है, वर्थ है। फैमिली वाले क्या कहते हैं? फैमिली वाले कहते हैं, लेकिन मेरी फैमिली के बिल्कुल अलग वो है, क्योंकि उनको पता है कि इसको खुशी मिलती है। अच्छा ओके है, चलो अच्छा यार, ये बहुत जरूरी है कि फैमिली वाले खुश होने चाहिए। हाँ। और फैमिली वाले खुश है तो भाई सब कुछ और ओके ही है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर आज की वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम मुसाफिर @11, फेसबुक मुसाफिर कार्स है। आपका कोई पेज है कुछ है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं? भाई मेरा इंस्टाग्राम है जिसमें मैं रील डालता हूँ, mudit_dudeja, ठीक है। मुदित भाई जो है वो आप लोग जो है भाई से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं कि भैया क्या कराऊं मॉडिफिकेशन, भैया ने जो है वो कराया, कितने पैसे का कराया, ये मत पूछते रहना ये कितने का हुआ था आपका, ये कितने का हुआ था, टुकड़ों में नहीं। एक बार अगर आप लोग पूरा पूछना चाहे तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी टेस्टफुली तैयार करके गई है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है स्पेशली जो कार गाइज वाली है ये बढ़नी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत बननी चाहिए, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय।